तेरी सूरत ना हो लिखे शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम आ जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हाँ तो गाइस अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस इस तरह का एडिटिंग करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर वहां से जो सेक इफेक्ट और जो बीटमैक पूजे को आप सभी लोग डाउनलोड करेंगे उसे अलर्टमेंस ऐप के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है, यानी कि शेयर कर लेना है। फिर यहाँ पे अलर्टमेंस एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेक्शन पे, और उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग बीटमैक पूजे को सबसे पहले ओपन करना है, और फिर यहाँ पे आप सभी को जो ग्रुप इस इमेज से लेयर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेयर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप लेयर जो ग्रुप लिखा है इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, और फिर आपके सामने और कुछ लेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप लिखा है जो सेकेंड लेयर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर एडिट ग्रुप पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे दो लेयर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे इमेज लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आप सभी का जो फोटो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से कोई सा भी एक फोटो को सिलेक्ट करना है और ऊपर प्लस बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पे फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सभी को बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ पे नीचे जो ग्रुप लेयर दिख रहा है यहाँ पे भी उसी तरह से क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे इमेज लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे दूसरा एक फोटो को ले लेना है, फिर यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके इसे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली बैक चले जाना है, और फिर यहाँ पे और नीचे दो लेयर दिख रहे हैं ग्रुप लेयर, वहाँ पे भी इसी तरह से आप सभी को जो फोटो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा, सेम प्रोसेस है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली बैक चले आना है, और बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ग्रुप लेयर के एकदम एंड पे यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जितने भी बीटमार्क है आगे यहाँ पे फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे आने के बाद प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और मीडिया जाने के बाद गाइस यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इस एरो पे क्लिक करना है, और पहले वाला बिटमार्क जो थोड़ा सा दूर है इसलिए दो बार यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है जिससे ये फोटो यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको बैक चले जाना है, फिर से प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा फोटो ले लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कट कर देना है, उसके बाद फिर से बैक चले जाना है, उसके बाद फिर से प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और फिर एक फोटो ले लेना है, फिर इस एरो पे क्लिक करना है, कट करना है, बैक जाना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से एक फोटो ले लेना है। तो इस तरह से आप सभी को जो है इस हर एक बीटमार्क में जो फोटो ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे आप सभी लोग बीटमैक पे फोटो ऐड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से आप सभी को बैक चले जाना है, फिर यहाँ पे जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसके सिंपली ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे तीन लेयर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड इमेज लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और फिर कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर इस प्रोजेक्ट से सिंपली बैक चले जाना है, और फिर यहाँ पे जो सॉन्ग बीटमैक प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को एक नीचे की तरफ जाना है, और फिर यहाँ पे आपको राइट की तरफ स्वाइप करना है, और इस जो ग्रुप लेयर है इसके यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे जो फोटो लेयर है फर्स्ट फोटो लेयर है इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पे जो सेकेंड फोटो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद गाइस बैक जाना है, फिर इसके आगे जो फोटो लेयर है इसको छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फोटो लेयर पे यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसी तरह से इसके आगे जो फोटो लेयर इसको छोड़ देना है, और फिर इसके आगे जो फोटो लेयर है यहाँ पे क्लिक करके आप सभी को पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह से आपको एक फोटो इमेज को छोड़ के जो दूसरा लेयर है उस पर आपको जो इस इफेक्ट को ऐड करना है। इसी तरह से आप सभी को जो जो लास्ट तक इस इफेक्ट को ऐड करना है, और जैसे आप ऐड कर देते हैं उसके बाद फिर से बैक जाना है, और बैक जाने का फिर से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे जो थर्ड जो इमेज लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके
कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर से इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है, फिर यहाँ पे राइट की तरफ स्वाइप करना है और स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे जो सेकंड फोटो पे आप सभी लोग ने जो इफेक्ट को ऐड किया था तो उसके बाद यहाँ पे इस थर्ड वाली इमेज लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक कर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसके आगे वाले इमेज लेयर को छोड़ देना है और उसके बाद नेक्स्ट फोटो लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको एक फोटो को छोड़ना है, फिर इस अगले फोटो पे आप सभी को जो है इस इफेक्ट को ऐड करना है एकदम लास्ट तक। उसके बाद गाइस इस प्रोजेक्ट से सिंपली बैक चले जाना है, फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो पहला इमेज लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे जो ये तीन लेयर दिख रहा है इन तीनों लेयर को आप सभी को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और इन तीनों लेयर को जो है यहाँ पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। फिर इस प्रोजेक्ट से सिंपली बैक चले जाना है और फिर बीटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट थ्री लेयर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और फिर इस लेयर के एकदम जो यहाँ पे राइट की तरफ स्वाइप करना है और फिर यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है पहला इमेज लेयर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक काम बाकी है, वो है म्यूजिक ऐड करना। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में चले आना है, फिर यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद इस बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग्स पे क्लिक करना है जिससे सारे जो म्यूजिक है आपके मोबाइल में वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को जो है उस म्यूजिक को सिलेक्ट करना है जिस म्यूजिक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन से आपने डाउनलोड किया था, उसको यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है और वो जो है ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, और हाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।